तो वहीं चुनाव से पहले सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। जनता को साधने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो वहीं पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देहरादून के परेड मैदान में ये जनसभा होगी। तो वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही पीएम देहरादून को सौगात भी दे सकते हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ चुके हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कई बार राज्य के दौरे पर आ चुके हैं। असल में बीजेपी के लिए उत्तराखंड काफी अहम है। राज्य में बीजेपी सत्ता में है और इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस राज्य में फिर से सत्ता पर काबिज होने का है। लिहाजा पार्टी ने सभी बड़े नेताओं को चुनाव के लिए मैदान में उतारा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि शुक्रवार को बैठक बुलाई गई है। दूसरी ओर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री की जनसभा को काफी अहम माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वो इस दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। फिलहाल बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है और प्रधानमंत्री की रैली के जरिए माहौल बनाने में बीजेपी को मदद मिल रही है। बीजेपी का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनसंपर्क कर संवाद को मुख्य हथियार बनाएगी। इस संबंध में पार्टी एक महाअभियान शुरू करने जा रही है और इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आम जनता को पार्टी की नीतियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इस रणनीति के पीछे बीजेपी के हर बूथ को मजबूत बनाने की योजना है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अनुसार इस तरह की योजना तैयार की जा रही है और अगले महीने की शुरुआत में इस अभियान को हरी झंडी दी जाएगी। वहीं हाल ही में उत्तराखंड में हुई बैठकों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रांत से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच लगातार संवाद के निर्देश दिए थे। बीजेपी का लक्ष्य है कि जनसभा में हरिद्वार, देहरादून और उसके आसपास के इलाकों से करीब 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाई जाए। इस लक्ष्य के हिसाब से पार्टी के जिला अध्यक्षों, चुनाव संयोजकों, चुनाव प्रभारियों, मंडल अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री जनसभा की तैयारी और प्रबंधन को लेकर बैठक में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी करीब 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।